Hey guys, I'm back again at the show Health Talk. Here today we have Dr. Chanda. He is a knee surgeon working at GNH Hospital. So, today's topic is which is on sports injury, mainly knee injury. Dr. Devashish, सबसे common injury कौन सी है sports people के लिए specifically और कोई age criteria है या किसी को भी कभी भी हो सकती है? देखिए sports स्पोर्ट्स इंजरी इन ऑल अगर मैं बोलूँ सबसे कॉमनेस्ट एरिया जो है वो नी है. नी स्पोर्ट्स इंजरी सबसे कॉमन है जिसमें कि नी लिगामेंट इंजरीज बहुत ही कॉमन है. अब एज क्राइटेरिया जैसे हम लोग आज से पकड़ लीजिए 5-10 साल पहले ओलंपिक सेशन जो इंडिया का अभी थोड़ा इम्प्रूव हुआ इससे पहले का अगर सेशन देखें तो उसमें हम देखेंगे कि 20 से 35 के बीच में मोस्ट ऑफ द इंजरीज होती है ये 18 के ऊपर. पर आज के दिन में आई डोंट से कि 10 ईयर्स से लेकर लिगामेंट इंजरीज स्टार्ट हो जाती है. 10 साल के बच्चों में भी शुरू हो जाते हैं क्योंकि ट्रेनिंग जो है एज जल्दी करना शुरू कर देते हैं और इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग बढ़ती जा रही है तो इंजरीज भी उसी तरह ज़्यादा कॉमन होने लगती है. अगर मैं नी इंजरी के बारे में बोलूँ तो उसमें सबसे कॉमनेस्ट इंजरी जो है वो लिगामेंट या मेनिस्कस टियर. लिगामेंट टियर या मेनिस्कस, व्हाट इज लिगामेंट? तो हमारे नी जॉइंट में वो है इसमें दो लिगामेंट बहुत कॉमन होते हैं, दैट इज द कोर लिगामेंट ACL एंड द PCL एंड द साइड लिगामेंट MCL LCL. ये इनमें से भी ACL और PCL के इंजरी सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं. मेनिस्कस जो कुशन फ्री कुशन है इन बिटवीन दोनों पैरों के बीच में, सो वो भी इंजरी सबसे ज़्यादा कॉमन है. तो मेनिस्कस टियर और लिगामेंट टियर ACL एंड PCL. अगर सिंगल आप पूछोगे कौन सा लिगामेंट सबसे कॉमनली इन्वॉल्व है तो ACL बोलते हैं मोस्ट कॉमनेस्ट इन्वॉल्व लिगामेंट सबसे ज़्यादा एक्टिव. सर इसके सिम्टम्स क्या होंगे? नी इंजरी जो सबसे कॉमनेस्ट इंजरी ACL इंजरी है जिसके बारे में हम बोले तो कैसे होती है, जैसे कि सबसे कॉमन से स्पोर्टिंग इंजरी बास्केटबॉल वॉलीबॉल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जिसमें बहुत ही हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स खेलते हैं उसमें ट्विस्टिंग इंजरीज हो सकती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में हो सकती है या डांसिंग फ्लोर पे हो सकती है. सो जितना हम सिम्टम्स के बारे में बताएं तो इमीडिएटली आफ्टर इंजरी कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे सडन स्वेलिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा आ जाएगी स्वेलिंग, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, इमीडिएटली खड़े होकर पैर पे वेट डालना इम्पॉसिबल हो जाएगा, पेन होगा बहुत ज़्यादा, नी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, बेंडिंग रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी. ठीक है, धीरे धीरे ये सिम्टम्स गायब हो जाते हैं अगर हम रेस्ट लें, आइस पैक्स लें, मेडिकेशन लेते हैं तो ये सिम्टम्स चले जाते हैं. और ओवर द टाइम ACL इंजरी का जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो ये रह जाता है कि जब चलते हैं तो सडनली गिविंग अवे, मतलब कि घुटना अचानक से बेंड हो जाता है, कभी कभी ऑन द स्मूथ सर्फेस एज वेल और कभी कभी रफ सर्फेस पे ही होता है सिर्फ. ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच इज द इंजरी ऑफ द लिगामेंट. सर ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशंस पे हम बाद में आएंगे, सबसे पहले आप बताइए व्यूअर्स को कि जैसे ही स्पोर्ट्स इंजरी होती है व्हाट इज अ प्राइमरी थिंग व्हिच पर्सन कैन शुड डू? देखिए सबसे जो कॉमनेस्ट चीज है कि जब भी आपको नी इंजरी हुई है मैं एक ही बात आपको बताऊंगा कि सबसे पहला काम है रेस्ट, इमीडिएट रेस्ट, पैर को इमोबिलाइज कर दीजिए, चलना बंद कर दीजिए. ठीक है, दूसरी चीज है पैर को किसी भी चीज़ के साथ अगर हम रेस्ट दे सकते हैं जैसे कि लंबे तख्ते के ऊपर पैर को रख लिया, ठीक है, या कार्डबोर्ड के शीट के ऊपर रख लिया ताकि मूवमेंट बेंडिंग या हिलना डुलना ना हो, इमीडिएटली आइस पैक सेकेंड इज रेस्ट, उसके बाद आइस. सो जितना हो सके आइस पैक्स ऑल अराउंड में हम लोग लगाएं, बैक साइड को छोड़ के फ्रंट में अप डाउन चारों तरफ लगाएं आइस पैक्स एवरी पकड़ लीजिए घंटे में 10 से 15 मिनट आइस पैक्स मिनिमम होने चाहिए. इसके अलावा पैर को थोड़ा ऊँचा उठा कर रखते हैं एलिवेशन, ठीक है, एंड कंप्रेशन अगर आसपास हमारे पास क्रेक बैंडेज है तो उसे कंप्रेशन बैंडेज तो उसे लेकर ऊपर तक हम लोग कंप्रेशन बैंडेज लगा देते हैं. सो इसका एक प्रोटोकॉल का नाम है राइस प्रोटोकॉल, रेस्ट आइसिंग कंप्रेशन एंड एलिवेशन. मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर अवेयर ऑफ दीस ऑल थिंग्स कि ये इंस्टेंट मेजरमेंट लेने हैं बिकॉज़ दे आर इन टू स्पोर्ट्स ओनली, तो कब दिखाना चाहिए उनको डॉक्टर, डॉक्टर के पास कब आए? ये तुमने अच्छी बात पूछी कि कॉमनली सबको पता होती है, इनफैक्ट मैं ये आपको पता मतलब इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ कि कॉमनली सबको पता होती है मगर 90% लोग इसका उल्टा ही कर रहे होते हैं कि जैसे चोट लगे तो अगर थोड़ा सा मसाज कर दो भागना शुरू कर दो दोबारा भागेगा तो बेटर हो जाएगा. सेकेंडली आइस की जगह गर्म सेक लगा देते हैं, उल्टा कर देते हैं पूरा ताकि स्वेलिंग और बढ़ जाए. ठीक है, और एलिवेशन के बारे में कुछ सोचना है. सो इतना कॉमन है मगर मोस्टली कॉमन चीज़ें दिखती नहीं है, उसका उल्टा ही होता है. गर्म सेक तो 110% लगाया ही होता है एक ना एक बार. ठीक है, सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इस वीडियो से हम लोग देना चाहते हैं. ठीक है, आइडियल टाइम कब दिखाना है? देखिए अगर चोट लगने के बाद आप एक भी स्टेप नहीं डाल पा रहे हैं
बहुत सीवियर पेन हो रहा है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, तो इमीडिएटली दिखाएं, ठीक है। अगर इमीडिएटली आपके पास कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, आप ऐसे जगह पे खेल रहे हैं जहाँ से दूर जाना पड़ेगा, तो मेरा एडवाइस रहेगा कि इमीडिएटली का राइस वाला रेजिमेन स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद एज सून एज पॉसिबल दिखा लीजिए डॉक्टर, ठीक है। कभी कभी छोटी माइनर इंजरीज होती है जिनमें कि पार्शियल टीयर हुआ होता है, मल्टीपल एपिसोड होके एसीएल टूटा होता है, मतलब हर बार खेलने जाते हैं हर एक दो महीने में चोट लगती है, थोड़ा सा एसीएल इंजरी होता है, धीरे धीरे पार्शियल इंजरी कंप्लीट में बदल जाता है। ऐसे लोगों को मेरा मानना है कि इंस्टेबिलिटी चलते चलते आती है, तब उनको रियलाइज होता है कि घुटने में कुछ गड़बड़ हो गई है, मतलब चलते चलते अचानक से पैर घूम जाता है या गिव अवे कर जाता है, ऐसे कंडीशन में भी अगेन आपको डॉक्टर से इमीडिएटली दिखा लेना चाहिए, इसके लिए रुकना नहीं चाहिए। कितने टाइम तक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट चलना चाहिए और कब आप डिसाइड करते हैं कि ये सर्जिकली होगा? देखो सबसे ज़रूरी जो है ये है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना कि क्या इंजरी है। एसीएल इंजरी में बहुत सारे टाइप के इंजरीज होते हैं जिसमें कि पार्शियल इंजरीज और कंप्लीट इंजरीज होती है। पार्शियल इंजरीज बहुत सारे पेशेंट डॉक्टर के पास ही नहीं पहुंचता है क्योंकि उसको अदर देन हाई स्पोर्टिंग एक्टिविटीज उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जैसे कि बहुत स्पोर्टिंग एक्टिविटी करने जाते हैं तभी उनको लचक से फील होती है, अदरवाइज वो ठीक रहते हैं, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं आ रही या अनइवन सरफेस पर प्रॉब्लम आ रही। तो ये डायग्नोसिस बनाना कि पार्शियल इंजरी कितना अमाउंट का है, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन जरूरी है। अगर क्लिनिकली हमें पता चल रहा है कि कम्प्लीटली लैक्स है, खिलाफ हो चुका है, इंजरी हमें ये समझ में आती है कि नी जो है इम्बैलेंस है, मतलब सामने की तरफ बाहर निकल जा रहा है खींचने से, ठीक है, और ये ग्रेड 3 सबलक्सेशन आ रहा है, तो ना सिर्फ उसकी इमीडिएटली सर्जरी की ज़रूरत है, बट इमीडिएटली इंजरी के बाद हम लोग 3 से 6 हफ्ते के बीच में सर्जरी करते हैं, इमीडिएटली नहीं करते। जैसे आज ही इंजरी हुई है, आज ही सर्जरी नहीं करेंगे, रीज़न बिहाइंड कि इसके रिजल्ट्स पुअर हो जाते हैं, ठीक है। आर्थ्रोफाइब्रोसिस बोल के स्टिफनेस ऑफ नी एक चीज़ आ जाती है जिसको बचाने के लिए हमें कम से कम 3 हफ्ते का मिनिमम टाइम रखना चाहिए और आइडियली 6 हफ्ते तक हम सर्जरी कर सकते हैं, बट उसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा मेजर हार्म आ जाता है। बट जो लोग 2-3 साल रुक जाते हैं उनमें मेनिस्कस इंजरी एवरेज कार्टिलेज डैमेज होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए अर्ली सर्जरी एडवाइज्ड। तो मैंने जैसे कई जगह देखा है कि जैसे ही पेशेंट पहुंचता है इंजरी के साथ, वो कुछ ही आर्स के बाद देखते हैं कि वो ओटी में है, तुरंत आर्थ्रोस्कोपी हो जाती है। नहीं, ये डिपेंड करता है क्या इंजरी है, मगर मेरे हिसाब से आइडियल, अब अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं आइडियल प्रैक्टिस के हिसाब से ही बोलूँगा, ठीक है, या मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ मैं उसके बारे में बोलूँगा। मैं किसी भी पेशेंट को ऑपरेट 3 हफ्ते के अंदर नहीं बोलता हूँ करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है। जब जो चीज़ मुझे पता है उसके ऊपर दूसरी चीज़ों पर हम ज़्यादा नहीं करते। मेरे हिसाब से 3 to 6 months इज द बेस्ट टाइम, आइडियल टाइम जिसमें कि हम ऑपरेट करना चाहिए अगर कंप्लीट एसीएल इंजरी है। प्लस इन 3 हफ्ते में क्या करना है, दैट इज द फिजियोथेरेपी रूल। इसमें हम लोग फिजियोथेरेपी जितनी हो सके, एक्सरसाइजेस जितनी हो सके, ताकि क्वाड्रिसेप्स वेस्टिंग ना हो, ठीक है, हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्टिफ ना हो जाए, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है कराएं और रेंज ऑफ मोशन गेन करें। तो ये 3 हफ्ते भी ऐसे नहीं है जिसमें पेशेंट बैठा रहेगा कि मैंने प्लास्टर लगा के बैठा हो, ये नहीं है, उसमें भी कुछ ना कुछ करना ही। एक और लास्ट क्वेश्चन है कि पोस्ट सर्जरी, जैसे आपने सर्जरी कर दी, कितने पीरियड के टाइम में पर्सन कैन गो बैक टू द फील्ड? देखिए 100% बैक टू द फील्ड सर्जरी के बाद 3 to 6 months का टाइम लगता है। देखिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि एक्टिव स्पोर्ट्समैन, ठीक है, जैसे कि हम बोल रहे जो पेशेंट्स ऑपरेट किए हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही स्पोर्टिंग एक्टिविटी, जैसे इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर भी है, तो इन लोगों के लिए 3 महीने का टाइम लग जाता है। अब एक्टिव फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक, जहाँ तक चलने फिरने की बात है वो ऑपरेशन के सेम डे से ही आप चलना फिरना शुरू कर देते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर जयाशीष। सो दो जस्ट ऑफ द स्टोरीज, जैसे ही इंजरी हो हॉट फर्मेंटेशन ना करें, प्लीज़ फॉलो अ प्रॉपर प्रोटोकॉल। सेकेंड लेसन इज कि सर्जरी कराने से पहले, जस्ट आफ्टर इंजरी, प्लीज़ कंसल्ट टू अ प्रॉपर डॉक्टर। ये ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम सर्जरी की ज़रूरत है और यू नीड अ 2 or 3 week ऑफ टाइम फॉर सर्जरी। एंड थर्ड थिंग कि ये मत सोचिए कि तुरंत जैसे ही सर्जरी हुआ एंड यू कैन गो बैक टू द फील्ड, हैव अ प्रॉपर रिहैबिलिटेशन डन फॉर एटलीस्ट फॉर 3 to 6 months एंड देन यू आर रेडी टू गो।
Thank you for watching this video. If you like this video, please subscribe Indian Health Consultants. And अगर आपके कोई भी questions हैं, आप comment में लिख सकते हैं and खुद Dr. Devashish will answer them. Thank you so much.